गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज फिर से क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं आपको क्या चीज़, कन्वर्स ऑफ डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम फॉर ट्रापेजियम। ट्रापेजियम एक थ्योरम था जिसको बोलते हैं डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम, यानी कि किसी भी ट्रापेजियम में। पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम क्या था। तो यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ये बताए कि ये ट्रापेजियम है, जैसे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और मैं बोलूँ कि ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है जिसमें ए बी और पैरेलल टू डी सी है, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है, तब इसका डायगोनल और इसका डायगोनल अगर एक दूसरे को ओ पे काटता है तो इसका रेशियो यानी कि ए ओ बाई ओ सी है ना, ए ओ बाई ओ सी पहले डायगोनल के टुकड़ा का रेशियो और दूसरे डायगोनल के टुकड़ा का रेशियो यानी ओ बी बाई ओ डी ये बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम। तो अब हम ये समझते हैं कि कन्वर्स ऑफ डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम क्या होगा। तो कन्वर्स ऑफ डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम इसका उल्टा होगा। तो इसका उल्टा होने का सेंस क्या है भाई, कि उसमें ट्रापीजियम रहता था तो डायगोनल का रेशियो बराबर आता था, अब क्या होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा जिसमें डायगोनल का रेशियो बराबर दिया हुआ रहेगा, तो प्रूव करना होगा कि उसको ट्रापीजियम कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, इसमें कहता है इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओ। ये अभी कोई खास क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बोल रहा है कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है जी, ओ पे। डायगोनल्स कहाँ पे कट कर रहे हैं, ओ पे। तो कहता है और वो भी सच डैट इस प्रकार से कि ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। ए ओ बाई ओ सी यानी पहला डायगोनल का रेशियो और ओ बी बाई ओ डी यानी दूसरा डायगोनल का रेशियो बराबर है, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल एक दूसरे को ओ पे काटता है और उसके बाद पहला डायगोनल का रेशियो और दूसरा डायगोनल का रेशियो बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। तब हमें प्रूव करना है, देन प्रूव डैट ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम। तब प्रूव करना है कि ए बी सी डी ये क्या होगा, ट्रापीजियम होगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रापीजियम बोलने के लिए क्या जरूरी है, तो एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रापेजियम बोलने के लिए ये जरूरी है कि उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए। कोई एक अपोजिट साइड जो है ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रापेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रापेजियम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमको ए बी सी डी को ट्रापेजियम बोलना है, तो ए बी पैरेलल टू डी सी प्रूव करना होगा। क्या करना होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी। तो अब उसी के लिए हम देखिए अब प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। तो जब भी चीज़ प्रूव करने वाला तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या देंगे कि हेयर इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हेयर इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल जी, ए बी सी डी डायगोनल्स, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओ, सच दैट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओ, सच दैट इस प्रकार से ओ पे काटता है कि ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी यानी पहले डायगोनल का रेशियो और बी ओ बाई ओ डी यानी दूसरे, बी ओ बाई ओ डी दूसरे डायगोनल का रेशियो बराबर है। तब हमको प्रूव करने के लिए क्या कहा जा रहा है, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करने के लिए कहा जा रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम। ए बी सी डी ये क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम, ए बी सी डी एक ट्रापीजियम है, ऐसा प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, जो दिया हुआ है उसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, हाँ लेकिन इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जैसा कि बताते हैं प्रत्येक वीडियो में कि कोई भी चीज़ अगर ज्योमेट्री में प्रूव करने वाला है तो सबसे पहले गिवन, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं, दूसरा क्या प्रूव करना है, अगर तीसरा कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं तो देते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं देते हैं, और उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगा, तो हमको एक जो है ओ पॉइंट से या तो कहाँ पर बी पे या तो फिर डी ए डी पे, या तो बी सी पर या तो ए डी पे को पैरेलल खींचना पड़ेगा। तो हम चलिए ओ से खींच दिए ई, ओ से किसको खींच दिए ई, जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो उसमें जब ट्रापीजियम रहता था तब, अभी नहीं, ट्रापीजियम जब रहता था तो एक के पैरेलल खींचते थे दूसरा खुद हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ए बी पैरेलल टू डी सी तो ऐसा दिया हुआ नहीं, तो हम ओ ई को सिर्फ किसके पैरेलल खींचे, ए बी के पैरेलल खींचे, ओ ई को किसके पैरेलल खींचे हैं, ए बी के पैरेलल खींचे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ, ड्रॉ ओ ई, ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई किसके पैरेलल खींचे हैं, ए बी के। तो जो चीज़ दिया हुआ रहता है उससे देखिए पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डैट, कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई,
ए ओ, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। तो ये दिया हुआ था, इसको एक इक्वेशन मान लिए, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब एक चीज़ तो हर कोई जानते होंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में एक साइड के अगर पैरेलल जाता है, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल जाता है तो इधर का रेशियो और इधर का रेशियो बराबर होता है, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। अगर ये एक्स है, ये बाई है, ये ए है, ये बी है, इतना दूर का लंबाई एक्स है, इतना दूर का लंबाई बाई है, इतना दूर का ए है और इतना दूर का बी है, तो एक्स बटा बाई अपोन ए बटा बी होता है कब, जब एक साइड के पैरेलल रहता है तब, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर क्या करना है भाई, तो ये चीज़ का भी हमें यूज करना है। ये चीज़ का यूज क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसका एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है और एक साइड क्या है ए सी है। तो ए बी सी जो एक ट्रायंगल है उसमें ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है, यानी एक साइड का पैरेलल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी में ओ ई जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है ए बी का, ओ ई जो है, ओई जो है किसके पैरेलल है ए बी का। तो एक साइड का पैरेलल होगा तो बाकी दो का रेशियो सेम आएगा, यानी कहने का मतलब ए सी और बी सी का रेशियो सेम आएगा। तो ए सी का टुकड़ा क्या है ए ओ और ओ सी, तो उसका क्या हो गया ए ओ अपोन ओ सी इक्वल टू, और इसका क्या है भैया बी सी का, तो बी ई अपोन ई सी क्या होगा, बी ई अपोन ई सी हो गया, इसको इक्वेशन मान लिए सेकेंड। लेकिन ये किसके कारण हुआ, तो थेल्स थ्योरम के कारण, क्योंकि एक साइड के पैरेलल आता है तभी ना दो साइड का रेशियो बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई थेल्स थ्योरम, कौन से थ्योरम से, थेल्स थ्योरम के कारण। अब चलिए दोनों इक्वेशन में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो गिवन दिया हुआ था उससे एक इक्वेशन तैयार की और एगो हम ट्रायंगल एबीसी से, तो ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी, यानी दोनों ही इक्वेशन का लेफ्ट साइड बराबर है, एलएचएस बराबर है। तो जब दो इक्वेशन का एलएचएस बराबर है तो उसका आरएचएस भी बराबर होता है। भेन भेन द एलएचएस ऑफ टू इक्वेशन आर इक्वल देन देयर आरएचएस आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, इसके आरएचएस को बराबर करेंगे, है ना। तो आरएचएस को बराबर करेंगे तो हम कौन कौन से इक्वेशन से चलने वाले हैं जी, तो फरोम फरोम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड क्या पाते हैं भैया, तो दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर करेंगे। तो पहला इक्वेशन का राइट क्या है, तो पहला इक्वेशन के राइट साइड में ओ बी बाई ओ डी है और दूसरा इक्वेशन के राइट साइड में क्या है, बी ई बाई ई सी है, बी ई बाई क्या है ई सी है। अब एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ये जो भी आया उसको रहने देते हैं। हम आप लोग से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या होता है कि जब एक साइड के पैरेलल रहता है किसी ट्रायंगल में, कोई लाइन अगर एक साइड के पैरेलल खींचते हैं तो दो को सेम रेशियो में काटता है, थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स में क्या होता है कि दो साइड का रेशियो सेम रहता है तो काटने वाला जो लाइन होता है ना, तीसरा का पैरेलल होता है, तीसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है। तो अगर मैं ये ऐसा बोलूं कि जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें जो है इधर का रेशियो और इधर का रेशियो बराबर है, इधर दोनों टुकड़ा का रेशियो और इधर दोनों टुकड़ा का रेशियो बराबर है, तो ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो थोड़ा सा देखिए ये जो आया है किसका रेशियो आया है, ओ बी बाई ओ डी, सॉरी बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी, यानी ये बी डी का रेशियो आया है, है ना। और दूसरा बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, तो ये आया है बी सी का रेशियो। तो यानी आप ऐसा ट्रायंगल को सेलेक्ट करना है जिसमें बी डी और बी सी रहे, बी डी और क्या रहे, बी सी। तो बी डी और बी सी कौन से ट्रायंगल में रहेगा, आप लोग ही देखिए, बी डी और बी सी कौन से ट्रायंगल में आ जाएगा, बी सी डी में। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी में क्या हुआ, व्हाट हैपन, तो बी सी डी में ये हुआ ना कि बी डी का रेशियो और बी सी का रेशियो बराबर है, बी डी का रेशियो और बी सी का रेशियो बराबर है। तो यहाँ पर देखिए बी डी का रेशियो क्या है जी, बी ओ बाई ओ डी इक्वल टू, बी सी का रेशियो क्या है, बी ई बाई ई सी, बी ई बाई क्या है ई सी, यानी कि दो साइड का रेशियो बराबर है। तो कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का टुकड़ा का रेशियो बराबर होता है तो तीसरे के पैरेलल, यानी ओ ई जो है खुद ब खुद पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी सी। तो देयर फोर ओ ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा, ओ ई पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी सी, ओ ई किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के। लेकिन किसके कारण, बाई कन्वर्स,
बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के कारण, है ना। अब एक चीज़ या कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं उसको। अब एक चीज़ देखना है कि ओई को हम एबी के पैरेलल खींचे और ओई खुद ब खुद डीसी के पैरेलल हो गया, तो अब हमको मिल क्या रहा है ना, एबी जो था, एबी जो था वो पैरेलल ओई का था, एबी जो है पैरेलल क्या था ओई को, ऐसा मैंने कंस्ट्रक्शन किया था। और उसके बाद डीसी भी किसके पैरेलल आ गया, ओई का, एंड डीसी इज ऑल्सो पैरेलल टू ओई, DC इज ऑल्सो पैरेलल टू क्या हो गया, OE। तो अब देखिए OE के पैरेलल ये भी और OE के पैरेलल ये भी, यानी राम के पैरेलल श्याम है और राम के पैरेलल गोपी, तो श्याम गोपी भी पैरेलल होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो क्या होगा, AB पैरेलल टू DC होगा, AB पैरेलल टू क्या होगा, DC। AB किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के। अब एक चीज़ देखिए, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी आ रहा है, यानी दो साइड का रेशियो, सॉरी दो साइड पैरेलल आ रहा है, यानी ए बी पैरेलल टू डी सी आ रहा है, यानी कि अपोजिट साइड पैरेलल आ रहा है, और जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैपीजियम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हैंस हैंस ए बी सी डी इज ए ट्रैपीजियम, है ना, ए बी सी डी एक क्या है, ट्रैपीजियम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी शायद लगा ही होगा, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अगर कैसा लगा वीडियो उसके बारे में कमेंट कर दें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसके बाद अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें, और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।